यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। अध्याय 3 श्लोक नंबर 10। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने का तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी।